दोस्तों नमस्कार, एमएस क्रिको तंत्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से भारत की धरती पर हो रही है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया अभी वेस्टइंडीज दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है, लेकिन वेस्टइंडीज टूर पर टीम इंडिया में एक्सपेरिमेंट जारी है। टीम इंडिया में लगातार खिलाड़ियों के बैटिंग ऑर्डर बदले जा रहे हैं। पता नहीं कोच राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम इंडिया की कैसी तैयारी कर रही है, जहां वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद कोच और कप्तान के ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ये बदलाव टीम इंडिया में उस समय हो रहे हैं जब वर्ल्ड कप सिर पर खड़ा है और पिछले 10 सालों से टीम इंडिया एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। टीम इंडिया में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो 3 खिलाड़ियों के बारे में जो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पीसे जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राहुल द्रविड़ की ये एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला क्या वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए परफेक्ट है या फिर इसका खामियाजा भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ेगा। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट का शिकार जो 3 खिलाड़ी हुए हैं उनमें से नंबर 1 पर है ईशान किशन। दोस्तों पहले वनडे में मैच में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं रोहित शर्मा खुद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जबकि रोहित ओपनिंग करते हुए रन बनाने में माहिर प्लेयर हैं, फिर भी उन्हें 7वें नंबर पर भेजा गया। दूसरी तरफ ईशान ने अभी तक टीम इंडिया के लिए 15 वनडे पारियां खेली है, जिसमें से वह 5 बार ओपनिंग किए, 4 बार नंबर 3 पर और 6 बार नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। कई बार उन्हें विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि आखिर उन्हें किस बैटिंग ऑर्डर पर खिलाया जाए। नंबर 2 संजू सैमसन। तो दोस्तों विराट कोहली पिछले एक दशक से टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, लेकिन पहले वनडे मैच में उन्हें बैटिंग के लिए नहीं उतारा गया, वहीं दूसरे वनडे मैच से उन्हें आराम दिया गया। दूसरे वनडे में उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया। संजू ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 11 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें वह 339 रन ही बना पाए। वह 2 नंबर पर 3 बार, 5 पर 5 बार और 4 नंबर पर 6 बार बल्लेबाजी करने उतरे हैं। खराब फॉर्म की वजह से वह अभी तक टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके हैं और टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहे हैं। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों भारतीय मिडिल ऑर्डर के 3 अहम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केएल राहुल चोटिल चल रहे हैं, इसी वजह से तीनों ही खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में T20 के नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है, लेकिन वह मौके को पूरी तरह से भुना नहीं पाए हैं। T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज अभी तक टीम इंडिया के लिए 25 वनडे मैचों में मात्र 476 रन बनाए हैं। वह भारत के लिए नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।